दोस्तों, अगर आप भी शिखर धवन और सूर्य कुमार यादव को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अंतिम मुकाबले में आया सूर्य और धवन का तूफान। जी हाँ दोस्तों, सूर्य और गब्बर ने मिलकर 50 ओवर के अंदर ठोके 650 रन। दोनों बल्लेबाजों ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 50 बार गेंदों को बाउंड्री के बाहर पहुंचाया। दोनों बल्लेबाजों की खतरनाक बल्लेबाजी को देखकर पूरा क्रिकेट जगत हिल गया। आखिरकार कैसे सूर्या और शिखर धवन ने मिलकर ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 650 रन 50 ओवर के अंदर ठोक दिए, ये तो हम आपको बताएंगे, साथ ही साथ पूरा का पूरा वीडियो भी दिखाएंगे आपको। तो जानने के लिए पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि सूर्य कुमार यादव, शिखर धवन और संजू सैमसन में कौन है खतरनाक खिलाड़ी? इस बात का जवाब नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज का अंतिम मुकाबला बिल्कुल चरम सीमा पर है। आपको बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है, जहां पर पहले मुकाबले में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा और इस मुकाबले में मिली 7 विकेट से हार के बाद भारतीय टीम दूसरे मुकाबले को खेलने के लिए हैमिल्टन के मैदान पर उतरी। लेकिन इस मुकाबले में बारिश ने काफी ज्यादा ड्रामा किया और बारिश के कारण यह मुकाबला हो ही नहीं सका, जिसके कारण दर्शकों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। लेकिन अब तीसरा मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच 30 नवंबर को क्राइस्टचर्च स्टेडियम में होने वाला है। इस मुकाबले के लिए दोनों टीमें जमकर तैयारी कर रही हैं, तो वहीं अभ्यास मैच में सूर्य कुमार यादव और शिखर धवन दोनों का खतरनाक तूफान सामने आया। जी हाँ दोस्तों, दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर काफी ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के साथ साथ पूरी दुनिया की टीम को हिलाकर रख दिया। आपको बता दें कि खेले गए अभ्यास मुकाबले में भारतीय टीम ने टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर के अंदर 650 रन बना दिए और इस बीच पारी की शुरुआत शुभमन गिल और शिखर धवन ने की, जहां पर शुभमन गिल पहले ओवर में 2 रन बनाकर आउट हुए, तो वहीं बल्लेबाजी करने के लिए आए श्रेयस अय्यर भी पहले ही ओवर में मात्र 1 रन की पारी खेलने के बाद आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए और पारी को संभालने के लिए सूर्य कुमार यादव मैदान पर आए और अब सूर्य कुमार यादव के साथ मिलकर कप्तान शिखर धवन ने टीम को बेहतरीन तरीके से संभाल कर टीम को आगे पहुंचाया। जी हां दोस्तों, दोनों बल्लेबाजों ने अंत तक नॉनस्टॉप बल्लेबाजी करते हुए 650 रन की पारी खेली और आपको बता दें कि दोनों बल्लेबाजों ने अपना अपना 13 शतक कर डाला और दुनिया के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ डाले। दरअसल शिखर धवन ने अपना खाता चौके के साथ दूसरे ओवर में खोल दिया और दिखा दिया कि आज वो स्वयं इसी अंदाज से बल्लेबाजी करेंगे। तो दूसरी तरफ से शानदार बल्लेबाजी कर रहे सूर्य कुमार यादव ने अपना खाता पहली ही गेंद पर 88 मीटर के लंबे छक्के के साथ खोल दिया और वहीं दोनों की खतरनाक बल्लेबाजी को देखकर केन विलियमसन चिंता में आ गए। लेकिन अब किसी को क्या मालूम था कि दोनों बल्लेबाजों ने जिस अंदाज से शानदार शुरुआत की है, उसी अंदाज से पारी को भी आगे ले जाने का काम करेंगे। दोनों बल्लेबाजों ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि अंतिम ओवर तक पारी को संभाल कर रखा और आपको बता दें कि पावर प्ले में दोनों बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अपना अपना अर्धशतक पूरा कर डाला। लेकिन दोस्तों, इतना ही नहीं, दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 110 रन की साझेदारी तो पावर प्ले में ही कर डाली, तो वहीं दोनों बल्लेबाजों ने पारी को आगे संभाल कर ले जाने का कार्य किया और अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी को और भी ज्यादा आक्रामक बना दिया, जहां पर 30 गेंदों के अंदर बनाए गए दोनों के अर्धशतक को देखकर लगने लगा कि ये दोनों बल्लेबाज जल्द ही अपना शतक पूरा करेंगे और वास्तव में दोनों बल्लेबाजों ने अपना शतक 20 ओवर के अंदर ही पूरा कर लिया। जी हाँ दोस्तों, सूर्य कुमार यादव ने अपनी खतरनाक बल्लेबाजी के तहत 18 ओवर में सऊदी को 3 छक्कों के साथ 22 रन बटोर कर 51 गेंदों पर अपना शतक कर डाला और दूसरी तरफ से शिखर धवन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 53 गेंदों पर अपना शतक कर दिया। हालांकि दोनों बल्लेबाज अभी भी बेखौफ नजर आ रहे थे, परंतु उन्होंने सोचा कि आगे जाकर ज्यादा ताबड़तोड़ बल्लेबाजी ना करें और कुछ 5 ओवर तक उन्होंने धीमी बल्लेबाजी की, क्योंकि फिरकी गेंदबाजों ने भारतीय टीम के ऊपर दबाव बना कर रखा था। लेकिन इसके बाद तो उन्होंने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अपना 150 रन का आंकड़ा पूरा कर लिया और दोनों ने मिलकर 80-80 गेंदों पर पूरा किया। और इतना ही नहीं दोस्तों, दोनों बल्लेबाजों ने आगे आते हुए 38 ओवर तक अपना अपना दोहरा शतक भी पूरा कर लिया और आपको बता दें कि सूर्या ने अपना दोहरा शतक मात्र 105 गेंदों में पूरा किया और दूसरी तरफ से शिखर धवन ने 115 गेंदों पर अपना दोहरा शतक पूरा किया।
अब दोनों बल्लेबाजों ने अपने 250 रन का आंकड़ा भी पार कर लिया, लेकिन अब अंतिम ओवर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए जब अपने हाथ खोले तो ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 140 और 145वें गेंद में उन्होंने अपना 13 शतक भी पूरा कर लिया। और वहीं दोनों ने अंत तक मिलकर नाबाद पारी खेली और जिसमें सूर्य कुमार यादव ने 150 गेंदों पर 340 रन की पारी खेली और उन्होंने 15 छक्के और 10 चौके लगाए। दूसरी तरफ से शिखर धवन ने 145 गेंदों पर 310 रन की पारी खेली और इस बीच उन्होंने 15 चौके और 10 छक्के लगाए। और इनकी खतरनाक बल्लेबाजी को देखकर टीम मैनेजमेंट तो काफी खुश हो गया। दोस्तों, सूर्या और संजू के तूफान से एक बार फिर से दहल उठा पूरा का पूरा न्यूजीलैंड का खेमा। जी हाँ दोस्तों, अंतिम मुकाबले की तैयारी में अभ्यास सत्र के दौरान सूर्य कुमार यादव और संजू सैमसन दोनों का एक बार फिर से रौद्र रूप देखने को मिला। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 40 बार गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचाया। उन्होंने अपने बल्लेबाजी से न्यूजीलैंड के हर एक गेंदबाज को खून के आंसू रुला दिए। आखिरकार कैसे संजू और सूर्या ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से मचाया तहलका, आपको हम बताएंगे। साथ ही साथ दोनों की तूफानी पारी का वीडियो भी आपको दिखाएंगे, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि सूर्य कुमार यादव और संजू सैमसन में से कौन है खतरनाक खिलाड़ी, इस बात का जवाब नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज का अंतिम मुकाबला बिल्कुल चरम सीमा पर है। आपको बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है, जहां पर पहले मुकाबले में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा और इस मुकाबले में मिली 7 विकेट से हार के बाद भारतीय टीम दूसरे मुकाबले को खेलने के लिए हैमिल्टन के मैदान पर उतरी। लेकिन इस मुकाबले में बारिश ने काफी ज्यादा ड्रामा किया और बारिश के कारण ये मुकाबला हो ही नहीं सका, जिसके कारण दर्शकों को काफी नुकसान हुआ। लेकिन अब तीसरे मुकाबले में भारत और न्यूजीलैंड के बीच में, जो कि 30 नवंबर को क्राइस्टचर्च के स्टेडियम में होने वाला है, इस मुकाबले में दोनों टीमें जमकर तैयारी कर रही हैं। लेकिन इसी बीच सूर्य कुमार यादव और संजू सैमसन दोनों का तूफानी प्रदर्शन अभ्यास मुकाबले में देखने को मिला। जी हाँ दोस्तों, दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए सभी को चारों खाने चित कर दिया। आपको बता दें कि दोनों बल्लेबाजों ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 40 बार गेंद को बाउंड्री के बाहर पहुंचाया। दरअसल दोनों बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए सऊदी से लेकर लॉकी फर्गुसन तक हर एक गेंदबाज के ऊपर प्रहार करना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि भारतीय टीम के 4 ओवर में 17 रन के स्कोर पर 3 विकेट गिर चुके थे, जहां पर शिखर धवन, शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर पवेलियन को लौट गए थे। और ऐसे में पारी को संभालने की जिम्मेदारी सूर्य कुमार यादव और संजू सैमसन के ऊपर आ गई। दोनों बल्लेबाजों ने थोड़ी देर तक पारी को संभाल कर आगे ले जाने का कार्य किया, लेकिन कुछ समय बाद ये दोनों ने अपनी बल्लेबाजी में आक्रामकता दिखाई। जी हाँ दोस्तों, दोनों बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करना प्रारंभ कर दिया और जहां पर 7 ओवर में मिशेल सैंटनर ने शानदार गेंदबाजी करने की कोशिश की, लेकिन इस ओवर में सूर्य कुमार यादव ने 3 चौके और 3 छक्कों की मदद से 30 रन बटोर लिए, तो दूसरी तरफ से संजू सैमसन ने 21वें ओवर में मिशेल सैंटनर को 4 चौके और 2 छक्कों की मदद से 28 रन जड़ दिए, जिसके बाद लगने लगा कि ये दोनों बल्लेबाज अपने आक्रामक रूप में दिखाई दे रहे हैं। दोनों बल्लेबाजों ने अपना अपना अर्धशतक 22 ओवर के अंदर 22 और 24 गेंदों में पूरा कर लिया। इसके अलावा उन्होंने आगे बल्लेबाजी करते हुए शानदार प्रदर्शन के तहत 55 गेंदों पर अपना शतक पूरा कर डाला। आपको बता दें कि सूर्य कुमार यादव और संजू सैमसन ने 38 ओवर तक अपना शतक पूरा कर लिया, तो वहीं दोनों बल्लेबाजों ने अंत तक ताबड़तोड़ अंदाज में अपना शतक पूरा किया। सूर्य कुमार यादव ने 58 गेंदों पर 110 रन बनाए, इसमें 14 चौके और 6 छक्के शामिल थे, तो वहीं संजू सैमसन ने 62 गेंदों पर 112 रन बनाए और जिसमें उन्होंने 16 चौके और 4 छक्के लगाए। वहीं इनके खतरनाक प्रदर्शन को देखकर न्यूजीलैंड की टीम दहशत में आ गई। दोस्तों, सीरीज बराबर करनी है तो पंत और सूर्या को करो बाहर, बीसीसीआई ने किया सनसनीखेज ऐलान। जी हाँ दोस्तों, अंतिम मुकाबले में सीरीज को बराबर करने के लिए ऋषभ पंत और सूर्य कुमार यादव को बाहर का रास्ता दिखाना पड़ेगा। आखिर बीसीसीआई ने ऐसा क्यों कहा कि ऋषभ पंत और सूर्य कुमार यादव को बाहर करने से टीम इंडिया का भला होगा, ये तो हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ इन दोनों खिलाड़ियों की जगह टीम में किन दो खिलाड़ियों की वापसी होगी, ये भी आपको बताएंगे, तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि ऋषभ पंत, संजू सैमसन और सूर्य कुमार यादव में से कौन है खतरनाक खिलाड़ी, इस बात का जवाब नीचे हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।
दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज के रोमांचक मुकाबले खेले जा रहे हैं, जहां पर पहले मुकाबले में भारतीय टीम को 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा तो दूसरा मुकाबला भी बड़ा ही रोमांचक तरीके से खेला गया, परंतु इस मुकाबले में बारिश के कारण नतीजा नहीं निकल सका और मुकाबले को रद्द कर दिया गया। लेकिन अब दोनों टीमों को तीसरे मुकाबले के लिए नए अंदाज में तैयार होकर आना पड़ेगा। आपको बता दें कि तीसरा मुकाबला 30 नवंबर को क्राइस्टचर्च में खेला जाएगा। इस मुकाबले के लिए दोनों टीमें जमकर तैयारी कर रही हैं और इस मुकाबले के लिए न्यूजीलैंड की टीम सीरीज को जीतने की कोशिश करेगी, तो वहीं भारतीय टीम सीरीज को बराबर करने की पूरी कोशिश करेगी। लेकिन इस मुकाबले के लिए टीम में बहुत ही बड़े बदलाव बीसीसीआई ने कर दिए हैं, जिन्होंने ऋषभ पंत और सूर्य कुमार यादव को बाहर रखने का बड़ा और सनसनीखेज फैसला किया है, जिसमें बीसीसीआई ने पारी की शुरुआत करने के लिए शिखर धवन और शुभमन गिल को शामिल किया है, क्योंकि ये दोनों खिलाड़ी भारतीय टीम के लिए परमानेंट सलामी बल्लेबाज बन चुके हैं, क्योंकि इन दोनों खिलाड़ियों ने लगातार भारतीय टीम के लिए शानदार बल्लेबाजी करते हुए बेहतरीन शुरुआत दी है। इसके अलावा बीसीसीआई ने मध्यम क्रम में पारी को संभालने के लिए श्रेयस अय्यर को शामिल किया है, जहां पर श्रेयस अय्यर एक बार फिर से बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए दोबारा से खेलते हुए दिखाई देंगे, तो वहीं बीसीसीआई ने विकेट कीपर के तौर पर संजू सैमसन को भारतीय टीम में ऋषभ पंत की जगह शामिल कर लिया है। उन्होंने कहा है कि ऋषभ पंत को अब बाहर का रास्ता देखना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके कारण काफी ज्यादा बड़ा विवाद हो रहा है, ऐसे में टीम से उनका बाहर होना बेहद जरूरी है, तो वहीं उनकी जगह संजू सैमसन को शामिल होना पड़ेगा, क्योंकि वो इस समय अपने खतरनाक फॉर्म में भी हैं और उनके आने से बीसीसीआई भी काफी ज्यादा फायदे में रहने वाली है। इसके अलावा सूर्य कुमार यादव को इस मैच के लिए आराम देना चाहिए, क्योंकि सूर्य कुमार यादव के लिए वनडे फॉर्मेट बेहतर नहीं है, ऐसे में उनको ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के लिए सिर्फ T20 फॉर्मेट की आवश्यकता है। उनकी जगह पर खेलने के लिए दीपक हुड्डा को खेलने का मौका मिलना चाहिए, साथ ही साथ वॉशिंगटन सुंदर को भी खेलने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि वो अपने ऑलराउंडर क्षमता से टीम को जीत दिलाना जानते हैं। इसके अलावा शार्दुल ठाकुर को बॉलर के साथ साथ बेहतरीन बल्लेबाजी के लिए भारतीय टीम में शामिल करना पड़ेगा। इनका साथ देने के लिए भारतीय टीम में मलिक और अर्शदीप सिंह खेलते हुए दिखाई देंगे, जो अपनी खतरनाक गेंदबाजी के चलते भारतीय टीम को जीत दिलाएंगे। साथ ही साथ फिरकी गेंदबाज के रूप में यजुवेंद्र चहल को खेलने का मौका मिलेगा, क्योंकि वो विकेट निकालने में माहिर हैं। ऐसे में इसी प्लेइंग 11 के साथ भारतीय टीम तीसरे मुकाबले को खेलने के लिए उतरेगी और सीरीज को बराबर कर अपनी इज्जत बचाएगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि तीसरे मुकाबले में किन किन खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिलेगा, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।